हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होंगे. सो एवरीवन, एज वी नो वी आर ऑन चैप्टर नंबर 6, राइट? टिल दैट वी हैव डिस्कस्ड अप टू रूरल क्रेडिट. आज का टॉपिक हमें स्टार्ट करना है एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम से. देखिए, फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट को बना के उसको सेल करने में ज्यादा दिक्कत आती है. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में हमें वो सारी प्रॉब्लम्स को पढ़ना है और उनका क्या सॉल्यूशंस ढूंढना है, ये सब पढ़ना है. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. रूरल पीपल नॉट ओनली फेस प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू फाइनेंस बट ऑल्सो एनकाउंटर डिफिकल्टीज इन मार्केटिंग देयर गुड्स. मीन्स फाइनेंस उन्होंने जैसे भी अरेंज करके प्रोडक्शन कर भी लिया, देन ऑल्सो दे फेसेस सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर गुड्स, मार्केटिंग ऑफ देयर गुड्स. Thus, issue of agricultural marketing needs attention in the scheme of securing rapid rural development. If you want to focus on rural development, then you must develop a good agricultural marketing system. Now have a look. Meaning of agricultural marketing, give me a second. Just one second. Yes, have a look. Agricultural marketing is a process that involves कितनी चीजें involved है ये देखिए जरा. Assembling यानी जो crops produce हो गए उसके बाद में उनको assemble करना, then storage of goods, then processing of goods जो उनमें आपको जो भी processing करनी है, transportation of goods कहाँ ये transportation warehouses तक, वहां जाके उनकी packaging, grading and then its distribution to different agricultural to different dealers, ठीक है, distribution of different agricultural commodities across the country, dealers को या direct customers को, जिसको भी देना है. तो basically क्या क्या आता है, produced goods की assembling, उनका processing, transportation, grading, packaging, distribution, ये सारी चीजें agricultural marketing के अंदर ही आई, ठीक है. तो इन सबसे related जो जो problems farmers face कर रहे हैं उन सभी को solve करना है हमें by developing a good and sound agricultural marketing system. Now have a look. Agricultural marketing system is an efficient way by which the farmers can dispose their surplus product at a fair and reasonable price, which is very most important. The conditions of rural areas will improve only when the farmers are getting a fair price for their product. It involves different activities for movement of farm product from the producer to the ultimate consumer. प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना है, यानी गुड्स का फिजिकली जो मूवमेंट करना है उससे रिलेटेड सारे काम मार्केटिंग में आएंगे. नाउ हैव अ लुक. प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स. हम पढ़ रहे हैं दैट वी नीड टू डेवलप द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम. तो हमें जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स को पहले डिस्कस करनी पड़ेगी. तो प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स. फार्मर्स को फॉल्टी वेट्स और अकाउंट्स का मिसमैनेजमेंट फेस करना पड़ता था क्योंकि फार्मर्स एजुकेटेड नहीं थे. तो ऐसे में जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हुआ करते थे वो फार्मर्स के साथ चीटिंग करते थे. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. प्रायर टू इंडिपेंडेंस फार्मर्स सफर्ड फ्रॉम फॉल्टी वेटिंग एंड मैनिपुलेशंस ऑफ अकाउंट्स व्हाइल सेलिंग देयर गुड्स टू द ट्रेडर. अभी भी होता है, बहुत सारे छोटे छोटे अनएजुकेटेड इलिटरेट पीपल जो है, फार्मर्स जो है, उनके साथ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन होता ही रहता है. नेक्स्ट, लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन. The poorest of the farmer जिसकी अर्बन एरिया तक रीच नहीं है उसे पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट की क्या रेट आई है इस साल. तो ऐसे में भी उसका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है. तो देखिए, farmers were often forced to sell at low prices due to lack of required information on prices prevailing in the market. यानी अर्बन एरिया से रूरल एरिया में ट्रेडर आया to procure the commodity और उस ट्रेडर ने फार्मर को मिसगाइड कर दिया. उसने बताया, उसने उसको फोर्स किया लो प्राइस पे सेल करने के लिए, और फार्मर ने क्यों सेल कर दिया, बिकॉज ही वॉज नॉट अपडेटेड विद द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन अर्बन एरिया या द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन मार्केट. तो ये भी एक प्रॉब्लम है. नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी. मैनी फार्मर्स इन इंडिया टिल 90s वर नॉट हैविंग प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी, और अभी भी बहुत लोगों के पास, जब भी हैवी रेनफॉल होता है, बहुत बार अलग अलग सीजन में हम न्यूज में देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये मैनिपुलेशन, ये फार्मर्स का जो स्टॉक है वो खराब हो गया हैवी रेनफॉल की वजह से, क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी. तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि दे डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज टू कीप देयर प्रोडक्ट, कीप बैक देयर प्रोड्यूस फॉर सेलिंग लेटर एट अ बेटर प्राइस. इवन टुडे मोर देन 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फार्मर्स वेस्टेड.
ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज. तो उनके पास स्टोरेज नहीं है तो उनको लगता है हाई प्राइस तक तो सामान ही खराब हो जाएगा, इससे बेटर है जो प्राइस मिल रही है उसी पे सेल कर दो, बिकॉज समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, राइट. आगे देखिए, therefore the government intervention became necessary to regulate the activities of private traders. ये जो traders private level पे काम कर रहे हैं इनकी activities को regulate करने के लिए government का interference जरूरी हो. आगे देखिए, measures to improve agricultural marketing. government ने agricultural marketing को improve करने के लिए क्या क्या किया, very most important part of this chapter. सबसे पहला, गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट बनाई. जो रेगुलेटेड अनाज मंडियां होती है जहां पे गवर्नमेंट की रेट्स के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है, वो रेगुलेटेड मार्केट डेवलप किया. हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर. द फर्स्ट मेजर वाज रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस. रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द माल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स एंड ब्रोकर्स. दिस पॉलिसी बेनिफिटेड फार्मर्स एज वेल एज कस्टमर्स. However, there is still a need to develop about 27,000 rural periodic markets as regulated market places in order to realize the full potential of rural market. Regulated market एक सबसे better option है क्योंकि ये farmer को, customer को, सबको फायदा देगा. इसमें कोई भी trader cheating नहीं कर पाएगा, उनको stipulated rates बताई जाएगी, उसी rate पे वो market में सामान purchase कर पाएंगे farmer से, और आगे customer को sell करने के भी rates pre-decided होगी. ठीक है, तो ये रेगुलेटेड मार्केट डेवलप किए. कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कुछ डेवलपमेंट अभी भी और रिक्वायर्ड है. यहाँ पे एक फोटो सी बनाई हुई है, हमें पता है हम बीकानेर की अनाज मंडी आपने से बहुत सारे लोगों ने देखी. आगे देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, जिसमें सबसे बेसिक अगर मैं फार्मिंग की बात करूं तो दो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड और एक स्टोरेज से रिलेटेड. ऑल्दो इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको मेंशन करने जरूरी है वो है, एक तो मूवमेंट के लिए प्रॉपर रोड्स और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एंड नंबर टू गुड्स के स्टोरेज के लिए प्रॉपर वेयर हाउस. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक रोड्स, रेलवे, वेयर हाउसेज, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट. द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर क्वाइट इन एडिक्वेट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एंड नीड टू बी इम्प्रूव. ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट वेयर हाउसेस डेवलप तो किए हैं, बट सफिशियंट नहीं है जो अभी अवेलेबल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी उसमें डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है. आगे देखिए, कोऑपरेटिव मार्केटिंग. द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग इज टू, कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो आप सबको पता ही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, राइट. तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है. It is to realize fair prices for farmers' product. Cooperative marketing is a system in which the farmers pool their marketable surplus of crops and distribute the sale proceeds on the basis of each individual share. It means what the farmers are supposed to do after producing the crops and keeping aside the crops required for their own purpose, like keeping aside the crops which they have produced for consumption purpose, the farmers are left with some extra crops, right? Marketable surplus, the extra crops which are ready for selling in the market. Each farmer who is a member of cooperative society, they just pool their crops together, and some on the behalf of all the members goes to the urban markets and sell the product at better prices. Now the income is distributed among the farmers on the basis of their share in the total sales. जितना परसेंट आपका आउटपुट था उतनी परसेंट इनकम आपको मिल जाएगी. आगे देखिए, अंडर दिस मार्केटिंग सोसाइटीज आर फॉर्मड बाय फार्मर्स टू सेल द आउटपुट कलेक्टिवली एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ बेटर प्राइस. बेटर प्राइस ऑब्टेन करने के लिए जब वो एक साथ लेके जाएंगे अपना आउटपुट तो शायद उनकी बार्गेनिंग पावर भी इंक्रीज हो जाएगी. अब आपको इसमें ये याद रखना है, वन मार्क क्वेश्चन, गुजरात का मिल्क कोऑपरेटिव सबसे फेमस एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का. देखिए क्या लिखा हुआ है, मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आ गए थे. जैसे आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा था ना एग्रीकल्चर, वैसे ये मिल्क कोऑपरेटिव्स व्हाइट रिवॉल्यूशन ले आए थे. मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ गुजरात एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. गुजरात की तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस, आसपास के एरियाज में भी इंप्रूवमेंट आया था. नाउ हैव अ लुक, कोऑपरेटिव मार्केटिंग बेनिफिट्स द फार्मर्स इन फॉलोइंग वेज. किस किस तरीके से फायदा होता है, नंबर वन इट इंप्रूव्स द बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर
एज दे सेल देयर प्रोड्यूस टुगेदर थ्रू वन एजेंसी, एक ही एजेंसी के थ्रू। आप सोचिए, मैंने कोई प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों को कंबाइन दे दिया, ग्रुप में दे दिया, तो डेफिनेटली काम बढ़िया होगा, है ना, क्योंकि ग्रुप के एफर्ट्स मिलेंगे तो सब अपना अपना परफेक्शन शो करेंगे, और जब सबका परफेक्शन आएगा तो डेफिनेटली टारगेट इजीली अचीव होंगे। तो ऐसे ही इन फार्मर्स में सबके एफर्ट्स मिक्स होंगे तो डेफिनेटली आपको बेटर प्राइजेस मिलेंगे। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हेल्प द फार्मर्स इन सेटिस्फाइंग देयर इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग देम क्रेडिट। इवन क्रेडिट नीड्स भी फुलफिल की जाती है, राइट। Next, cooperative societies often have storage facilities, so the farmers are not in hurry to sell their produce and they can wait for better prices. सभी ने मिलके एक warehouse बनवा लिया और फिर combinedly अपना product उसमें रखने लग गए, तो इससे क्या होगा, उनको जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी अपने product को low price पे sell करने के लिए। They can simply wait for better prices in the market. Next, facility of bulk transportation of agricultural produce of farmers is often cheaper and easier. अगर आप बल्क में ट्रांसपोर्ट करोगे अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा और चीप रहेगा आपके लिए, इकोनॉमिकल रहेगा। However, cooperatives have received a setback during the recent past because of, यानी अभी recently cooperative societies ने कुछ setback face किया, उतना इंक्रीज नहीं हुई इनकी सेल्स। क्या रीजंस है? नंबर वन, फार्मर मेंबर्स का प्रॉपर कवरेज नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि अच्छा ये कोऑपरेटिव हमारे लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट, प्रॉपर लिंक नहीं है मार्केटिंग और प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स में। होना क्या चाहिए, अगर किसी रूरल एरिया में प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव है जहाँ पे फार्मर्स ने मिलकर अपने प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग किया है, तो फिर उनका लिंक होना चाहिए ऐसी कोऑपरेटिव से जो उस प्रोसेस्ड आउटपुट को मार्केट में सेल करने में हेल्प करे, बट वो प्रॉपर लिंकेज नहीं। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर हो नहीं पाता, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई लिमिट फिक्स नहीं होती, आपको कितना पैसा देना है इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसे में फाइनेंशियल शॉर्टेज हमेशा ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज फेस करती है। नाउ इन केस एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दीज थ्री पॉइंट्स, यू कैन आस्क मी। रेगुलेटेड मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज एंड कोऑपरेटिव मार्केट, सिंपल सा पार्ट था। नाउ हैव अ लुक, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, और वैसे जब सब्जेक्टिव पेपर होता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। डिफरेंशियल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स। नंबर वन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी पंजाब वाला तो आप सबको पता ही है ना, जो इश्यू हुआ था मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस को लेके। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इनिशिएट किया था। वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, करंट की बात नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि क्यों किया था, फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स लास्ट चैप्टर लास्ट टॉपिक पढ़ा था, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, वही वाला है ये, ठीक है। प्राइस फ्लोर वाला कंसेप्ट है कि एक प्राइस फिक्स कर दी जाएगी, कम से कम फार्मर उस प्राइस पे सेल करेगा। अगर उस प्राइस पे मार्केट डिमांड नहीं है तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू परचेज द फूड ग्रेन और गवर्नमेंट उसको बफर स्टॉक में रख देगा। फार्मर को गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई वीट है तो आप 7 रुपीज पर केजी से कम में सेल नहीं करोगे। अब अगर किसी फार्मर को 7 रुपीज पर केजी पे डिमांड नहीं मिलती है मार्केट में, तो फार्मर के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने पास रखे, गवर्नमेंट उससे 7 रुपीज में परचेज करने के लिए रेडी होती है। तो देखिए व्हाट इज रिटन ओवर हियर, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए वीट, राइस, मीस, कॉटन और ऐसी बहुत सारी चीजें। सच अ प्राइस मे बी रिगार्डेड एज एन ऑफर प्राइस एट विच गवर्नमेंट इज विलिंग टू बाय एनी अमाउंट ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स। ये आपको याद रखना है, इट इज एन ऑफर प्राइस विच इज ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट टू द फार्मर्स एंड गवर्नमेंट इज गिविंग अ ऑफर that in case you are unable to sell the product in market at this price or at a price higher than this, then we are here ready for you to buy the product at this price. So, ye minimum support prices ka concept hai. Government ne kyun initiate kiya tha? To protect the interest of poor farmers. Number two, buffer stocks, maintenance of buffer stocks. The Food Corporation of India, FCI, one mark question. It purchases wheat and rice at the procurement prices to maintain buffer stock. Buffer stock is created in years of surplus production and is used during shortages. It helps to ensure regularity in supply and stability of prices. FCI क्या करता है? ये ऊपर वाला जो minimum support price decided है, इस price पे farmers से purchase कर लेता है product,
अब उस प्रोडक्ट को परचेज करके रख लिया जाता है इन द बफर स्टॉक, ठीक है, प्रोक्योरमेंट हो गया और बफर स्टॉक में रख लिया। जनरली इंडिया में एग्रीकल्चर इरिगेशन बेस्ड है, राइट, तो क्या किया जाता है, जिस साल अच्छा ये इरिगेशन फैसिलिटीज उतनी नहीं है, मैंने थोड़ा सेंटेंस उल्टा बोल दिया, रेनफॉल पे बेस्ड है, राइट, तो रेनफॉल पे बेस्ड है, तो अब क्या होगा, जब प्रॉपर हार्वेस्ट हुआ है, अच्छा जिस साल में प्रॉपर हार्वेस्टिंग हो गई, सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, तो उस साल बफर स्टॉक में परचेज करके रख लिया जाता है और शॉर्टेज वाले ईयर में सप्लाई कर दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी भी बनी रहती है और प्रोडक्ट की प्रॉपर सप्लाई भी होती रहती है। नंबर थ्री, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट की जो राशन शॉप्स होती है ना, जो वो राशन कार्ड होल्डर्स को, बीपीएल होल्डर्स को फेयर प्राइस पे गुड्स अवेलेबल करवाती है, तो ये दोनों को हेल्प कर रही है, फार्मर को हेल्प कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट फार्मर का प्रोडक्ट परचेज कर लेगा क्योंकि गवर्नमेंट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ऐसे हेल्पफुल है कि उनको एक बहुत रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट्स कौन से, सिर्फ एसेंशियल आइटम्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो देखिए, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन आवर कंट्री ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ राशन शॉप्स एंड फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स ऑफर एसेंशियल कमोडिटीज लाइक वीट, राइस, कैरोसिन एक्सेट्रा एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मार्केट प्राइस से एक लो प्राइस पे सेल किया जाता है सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को। आगे देखिए, These instruments aim to protect the income of farmers and to provide food grains at subsidized rate to poor. ये तीनों ही instruments जो है ये farmers के interest को भी protect करेंगे, और तीनों ही show कर रहा है कि government farmers से food grains purchase कर रहा है, तो government कभी भी self consumption के लिए तो नहीं करेगा, government करेगा for further distribution. तो ऐसे में ये दोनों चीजें इंश्योर कर रहा है, फार्मर की इनकम भी प्रोटेक्ट हो रही है और साथ में जो पुअर पीपल है उनकी मिनिमम नीड्स भी फुलफिल हो रही है। Confusably, ये कह रहे हैं, agricultural marketing has come a long way with the intervention of the government. However, despite of government interventions, there are many problems. क्या क्या है कुछ discuss करते हैं। Agricultural markets are still dominated by the private traders like moneylenders, rural political leaders, big merchants and rich farmers. अभी भी जो agricultural marketing system है, गवर्नमेंट का 100% उस पर कंट्रोल नहीं आ पाया है। बड़े बड़े ट्रेडर्स जिनसे फार्मर ने नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के फॉर्म में बोरोइंग कर रखी है, फार्मर्स आर फोर्स टू सेल देयर कमोडिटीज एट अ लोअर प्राइस टू सच लेंडर्स। क्यों? क्योंकि भाई आपने तो पहले ही अपनी क्रॉप्स को मॉर्गेज रख दिया था, अब गवर्नमेंट आपको कोई भी ऑफर प्राइस दे, आपको तो उनको जिनसे क्रेडिट लिया है उनको क्रॉप्स देनी पड़ेगी, राइट। आगे, the quantity of agricultural product, this one is important. आप देखिए, आपको यही पता चल जाएगा कि रूरल एरिया की कंडीशन क्यों खराब है, क्यों इतने आंदोलन होते हैं। The quantity of agricultural products handled by government agencies and consumer cooperatives constitutes only 10%, while the rest is handled by private sector. यानी सिर्फ 10% farmers ऐसे हैं जो अपना product, overall output की बात करते हैं, output का percentage given है, एग्रीकल्चरल आउटपुट जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका केवल 10% आउटपुट है जो गवर्नमेंट के थ्रू हैंडल हो रहा है, बाकी सारा तो अभी भी प्राइवेट ट्रेडर्स ही देख रहे हैं, और जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है तो वहां हो रहा है पुअर फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन। इट इज ऑफन आर्ग्यूड बाय सम स्कॉलर्स दैट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफर्स ट्रेमेंडस स्कोप फॉर फार्मर्स टू अर्न हायर इनकम्स प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिस्ट्रिक्टेड। ये कह रहे हैं कि भाई फार्मर्स को अगर आपको हायर इनकम के ऑप्शन देने हैं, जैसे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया, तो फार्मर्स के पास एक ऑप्शन आ गया कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन को साइड में रखते हुए अगर उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो आपकी इनकम्स बढ़ेगी, बट अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ गया तो वापस वो रेस्ट्रिक्शंस आ गई तो आपकी अर्निंग बढ़ नहीं सकती। आगे देखिए, डिफेक्ट्स हमें नहीं पढ़ने हैं, एमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स देख लेते हैं। नंबर वन, फार्मर्स मार्केट सेटअप हुआ, सबसे बढ़िया, डायरेक्ट फार्मर्स का वीकली बेसिस पे या कुछ सिलेक्टेड डेज पे मार्केट सकते हैं, उस मार्केट में फार्मर डायरेक्टली आके अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो देखिए, फार्मर्स कैन इंक्रीज देयर इनकम्स इफ दे डायरेक्टली सेल देयर प्रोडक्ट टू कस्टमर। मिडलमैन को इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए, साइड में कर दीजिए। एज अ रिजल्ट, द कंसेप्ट ऑफ फार्मर्स मार्केट वॉज स्टार्टेड टू गिव अ बूस्ट टू द फार्मर्स by providing them direct access to the consumers and eliminating the middleman. Consumers tak direct pahuncho aur middleman eliminate ho jaye. Kuch examples diye hue hain farmers market ki, apni mandi,
इन पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान, हदसपर मंडी पुणे में, रैत बाजार आंध्र प्रदेश में, और उजावर संडीज तमिलनाडु में. ठीक है, तो ये क्या है, ये फार्मर्स मार्केट के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मॉडर्न टाइम का है. अलायंस विद नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज. फार्मर्स के पास एक ऑप्शन ये है कि वो अपने आप को किसी एमएनसी के साथ लिंकअप कर दे. ठीक है, अब जैसे रिलायंस फ्रेश है, उसके साथ आप अपने आप को लिंकअप कर लीजिए, आपका सारा प्रोडक्ट वो परचेज कर लेंगे प्री डिटरमाइंड प्राइसेस पे, आप टेंशन फ्री. आपने जो भी फ्रूट्स बनाए, वेजिटेबल्स बनाए, वो आप डायरेक्ट उनको दे दो. किसान टमाटो कैचअप के साथ आप लिंकअप कर लो और अपने सारे टमाटो उनको दे दो. ठीक है, तो ऐसे लिंक्स भी हो सकते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है, सेवरल नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चैनल्स आर इंक्रीजिंगली एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अलायंसेस विद फार्मर्स. They encourage the farmers to cultivate farm products of a desired quality. बस ये है कि जैसा इन organizations ने बताया वैसी quality के farm products आपको बनाने हैं. ठीक है, They provide them with not only seeds and inputs but also assure procurement of the produce at pre-decided prices. यानी आप देखिए, ये MNCs आपको inputs देगी, ये MNCs आपको seeds भी available करवा देगी, आपकी financial needs भी fulfill कर लेगी, और आपको एक pre-assurance भी दे देगी that we are going to procure the produce output at this price. तो farmer tension free है, what he is supposed to do, he is only supposed to cultivate the crops as per the requirements of these. तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है. अगर फार्मर इससे कनेक्ट हो जाता है तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता. आगे देखिए, इट इज आर्ग्यूड दैट सच अरेंजमेंट्स विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द मार्केट रिस्क फॉर द फार्मर्स एंड एक्सपेंड द मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट्स. रिस्क तो खत्म ही हो गया क्योंकि फाइनेंशियल नीड आपकी फुलफिल कर दी गई है, सीड्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए, इनपुट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए, प्रॉब्लम से आपको बचा लिया गया, तो अल्टीमेटली फार्मर के लिए अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज ही हुई है. ठीक है, तो ये हमने दो पार्ट पढ़ लिए हैं कि क्या क्या किया जा सकता है ये दो एमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल से फार्मर को जोड़ने के लिए. इससे पहले हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में क्या इश्यूज और क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. नाउ हैव अ लुक, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. ये कह रहे हैं एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन, देखिए आप सबको ऑलरेडी पता है, प्रोड्यूसिंग मोर देन सिंगल क्रॉप, राइट. क्या कह रहे हैं, देखो Agriculture plays a very important role in the economic development. However, the vast majority of rural people work on the land and there is greater risk in depending only on agriculture. The need for diversification arises because there is greater risk in depending exclusively on farming for livelihood. And second, to provide productive, sustainable livelihood options to rural people. ये कह रहे हैं अगर सिर्फ फार्मिंग पे ही डिपेंड होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस रूरल पीपल को सस्टेनेबल ऑप्शंस देने जरूरी है. ठीक है, ताकि वो जब भी इनकम सोर्स की बात करें तो उनके पास मोर देन वन ऑप्शंस अवेलेबल. कुछ बेनिफिट्स गिवन है डाइवर्सिफिकेशन के. नंबर वन, मच ऑफ एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर कंसंट्रेटेड इन द खरीफ सीजन. ड्यूरिंग द रबी सीजन It becomes difficult to find a gainful employment in the areas where there are inadequate irrigation facilities. So diversification into other sectors is important too. Provide supplementary gainful employment available करवाने के लिए, enable them to earn a higher level of income. उनकी income level को increase करने के लिए, and enable rural people to overcome the poverty and other troubles. Poverty और other troubles को overcome करने के लिए. अब दो तरीके के डाइवर्सिफिकेशन हो सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन जिससे आप अपडेटेड हैं, और डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो हम अब पढ़ेंगे. ठीक है, ये क्रॉप प्रोडक्शन वाला डाइवर्सिफिकेशन तो आपने पहले एसएसटी में भी पढ़ रखा है, प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ क्रॉप ऑन अ सिंगल लैंड. बट ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, दिस इज कम्प्लीटली न्यू फॉर ऑल ऑफ यू. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जिसमें हमने क्या किया, चीजें चेंज कर दी, अदर एक्टिविटीज, अदर ये सोर्सेज में भी हमने जॉब्स ढूंढनी शुरू की. हमारे इस चैप्टर में फोकस करेंगे हम केवल अलाइड एक्टिविटीज पे, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट पे, और अदर एमर्जिंग अल्टरनेटिव्स ऑफ लाइवलीहुड पे. इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस है सस्टेनेबल लाइवलीहुड के, वो हमें नहीं पढ़ना. डाइवर्सिफिकेशन के टाइप्स हम जरूर पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज.
क्रॉप प्रोडक्शन वाला आज कर लेते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास. हैव अ लुक एवरीवन. इट इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम. बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग पे आ जाओ. आजकल तो जैसे आपने सुना होगा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करना है तो एक ही शेयर पे मत करो, अलग अलग शेयर्स पे करो. क्यों करो? क्योंकि अगर आप अलग अलग शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉस के चांसेस कम रहेंगे. उसी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट इन द क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स. ये आपको ऑलरेडी पता है. बेसिकली द मेन एम इज टू प्रमोट अ शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. ये भी आपको पता है क्योंकि आपने तो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 करें, राइट? तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग मींस प्रोड्यूसिंग मेयरली फॉर मीटिंग द कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स, वेयर एज कमर्शियल फार्मिंग मींस प्रोड्यूसिंग द कमोडिटीज फॉर सेलिंग देम इन मार्केट. तो हमें कमर्शियल फार्मिंग पे फोकस करना है. अब ये बता रखा है नीचे 1, 2 और 3, ये मैंने एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू ऑल ऑलरेडी. Now in India, agriculture is still dominated by subsistence farming and farmers give prime importance to the cereals like wheat, rice, maize, etc. in the cropping system. Multi-cropping system reduces the dependence of farmers on one or two crops as they are engaged in growing a wide variety of crops. Farmers ki jo dependence hai ek ya do hi crops pe usko reduce karke variety of crop production ko encourage karna. There is a need to encourage farmers to take up cultivation of a wide variety of crops. It will also raise their income. Unke income level bhi badhenge agar wo wide variety of crops ko chunenge. Diversification would minimize the risk arising due to price fluctuation in the crop. This would also reduce the risk occurring due to failure of monsoon. मॉनसून फेलियर से या प्राइस फ्लक्चुएशन से जो भी रिस्क आए वो सारे रिस्क रिड्यूस हो जाएंगे. कब? जब आप मोर देन वन क्रॉप्स पे डिपेंड. एक की फ्लक्चुएट भी हो गई तो आपके पास और ऑप्शंस रहेंगे, राइट? नेक्स्ट देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिटेल वाला कल करेंगे. अभी बस ये पॉइंट्स कवर कर लेते हैं और आज की क्लास को एंड करते हैं. वेट फॉर अ सेकेंड एवरीवन. Just give me a second, जो स्लाइड थी वो आपकी स्क्रीन से चली गई है. Yes, have a look. As agriculture is already overloaded, a major proportion of the increasing labor force need to find alternative employment opportunities in the non-farm sector. ये कह रहे हैं agriculture तो already overcrowded है, तो ये जरूरी है कि आप उन farmers को जो agriculture में हैं, उन laborers को जिनके पास land नहीं है या जिनके पास job opportunities available नहीं है agriculture में, उनको दूसरे ऑप्शंस के बारे में बताओ. नॉन फार्म सेक्टर्स में भी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करें. इट वुड प्रोवाइड अल्टरनेटिव एवेन्यूज ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड वुड रेज द लेवल ऑफ इनकम. ऑप्शंस भी मिलेंगे सस्टेनेबल लाइवलीहुड के और इनकम लेवल भी बढ़ेगा. नॉन फार्म एक्टिविटीज हैव सेवरल सेगमेंट्स. सम सेगमेंट्स ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज पजेसेस डायनेमिक लिंकेजेस दैट प्रमोट हेल्दी ग्रोथ, परमिट हेल्दी ग्रोथ, while others are in subsistence, low productivity proposition. ये कह रहे हैं बहुत सारे segments हैं non-farm activities की, जिसमें से कुछ segments तो ऐसे हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ subsistence जितनी earning दे सकता है, सिर्फ आपकी survival जितनी earning हो पाएगी, और कुछ ऐसे हैं जहाँ growth के options भी है, जहाँ अगर आप involve हो जाते हो तो आपको growth options भी available होंगे. आगे देखिए, the dynamic subsectors include agro processing industries, food processing industries, leather industry, tourism, etc. ye keh rahe hain jo subsectors hai usme kya kya cheeze hain. agro processing industries hai, food processing industries hai, leather industry ho gayi, tourism ho gaya, aise secondary sector basically. those sectors which have the potential but seriously lack infrastructure and other supports include
ट्रेडिशनल हाउस होल्ड बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक पॉटरी क्राफ्ट हैंडलूम्स एक्सेट्रा, इनमें कैपेसिटी तो है बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इनको डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो ये इन सेक्टर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए पांच नाम आपको दिए हुए हैं जो आपको आगे कवर करेंगे, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।